नमस्ते बच्चों, आज हम आपको ब्राह्मण और चोर की कहानी सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक ब्राह्मण को कहीं से यजमानी में एक भैंस मिली, उसे लेकर वह घर की ओर रवाना हुआ। सुनसान रास्ते में वह पैदल ही चला जा रहा था। बीच रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसके हाथ में मोटा डंडा था और शरीर से भी वो अच्छा तगड़ा था। उसने ब्राह्मण को देखते ही कहा, क्यों ब्राह्मण देवता, खूब दक्षिणा मिली लगती है, पर यह भैंस तो मेरे साथ जाएगी। ब्राह्मण ने झट कहा, क्यों भाई। चोर बोला, क्यों क्या, जो कह दिया सो करो। भैंस छोड़कर चुपचाप यहाँ से चलते बनो, वरना लाठी देखी है, तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब तो ब्राह्मण का गला सूख गया। हालांकि शारीरिक बल में वह चोर से कम नहीं था, पर खाली हाथ वह करे भी तो क्या करे। विपरीत समय में बुद्धिबल काम आया। ब्राह्मण बोला, ठीक है भाई, भैंस भले ही ले लो, पर ब्राह्मण की चीज यो छीन लेने से तुम्हें पाप लगेगा। बदले में कुछ देकर भैंस लेते तो पाप से बच जाते। चोर बोला, यहाँ मेरे पास देने को धरा क्या है। ब्राह्मण ने झट कहा, और कुछ ना सही, लाठी देकर भैंस का बदला कर लो। चोर ने खुश होकर लाठी ब्राह्मण को पकड़ा दी और भैंस पर दोनों हाथ रख कर खड़ा हो गया। तभी ब्राह्मण कड़क कर बोला, चल हट भैंस के पास से, नहीं तो अभी खोपड़ी दो होती है। चोर ने पूछा, क्यों। ब्राह्मण बोला, क्यों क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चोर को अपनी बेवकूफी समझ आ गई और उसने वहाँ से भागने में ही भलाई समझी। किसी ने सच ही कहा है कि जिसमें अक्ल है उसमें ताकत है। कहानी की सीख, शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति के बल पर साधन व अधिकार प्राप्त कर लेता है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।